ये डिमांड थी और ये तमाम सियासी जमातों को लगनी है और मेरे हलके के आवाम के पास मौका है कि ये हरी मिर्च सबको लगानी है, आपने इसके ऊपर ठप्पा लगा के। आज के इस व्लॉग में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं नायाब अली से। नायाब अली बेसिकली ट्रांसजेंडर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं और इनका इंतखाबी निशान है हरी मिर्च। इलेक्शन कम्पेन ये कर रही हैं, लोगों को जमा कर रही हैं और ख़ास तौर पे मार्केट से हरी मिर्चें खरीद कर और ये लोगों को बता रही हैं कि ये मेरा इंतखाबी निशान है और इस पर आपने ठप्पा लगाने। गुफ्तगू करते हैं नायाब अली से और जानते हैं कि इनका मंशूर क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं, आप देख रहे हैं 65 न्यूज़ पर। नाजी आज हमारे साथ मौजूद हैं NA47 की आज़ाद उम्मीदवार नायाब अली। नायाब अली बेसिकली ट्रांसजेंडर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, हम इनसे गुफ्तगू करें, इनका इंतखाबी निशान है हरी मिर्च। जी नायाब, मुझे बताएं कि क्या आपका मंशूर क्या इलेक्शन में, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें। मेरा जो मंशूर है, मैं गरीबों गरीब आवाम के लिए खड़ी हुई हूँ और चूँकि मैं खुद गरीब कम्यूनिटी से ताल्लुक है तो मैं वो तमाम सियासी जो जमातें हैं सियासी मदारी में उनको वो अपनी हाउसिंग सोसाइटियाँ बना ली, लेकिन ख्वाजा सराओं को या हमारे गरीब आवाम को भी एक हेल्थ जो फैसिलिटी है वो देने में नाकाम रहे। तो मैं जो है वो इंसानी हकूक के ऊपर काम करती हूँ और अगर मैं पार्लियामेंट के अंदर आई तो मैं अपने हलके के आवाम को तमाम बुनियादी मसाइल, कच्ची बस्तियों की सरकारी मंजूरी, हेल्थ सिस्टम की बेहतरी, इसके साथ साथ जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, धरनों से निजात और इंसानी हकूक की सरबुलंदी और इसके अलावा खवातीन की रिजर्व सीट के लिए काम करूँ। ओके, अच्छा ये इंतखाबी निशान जो हरी मिर्च हमने, ये हरी मिर्च इलेक्शन कमीशन ने दिया है कि आपकी डिमांड भी हरी मिर्च? मेरी ये डिमांड थी और ये तमाम सियासी जमातों को लगनी है और मेरे हलके के आवाम के पास मौका है कि ये हरी मिर्च सबको लगानी है, आपने इसके ऊपर ठप्पा लगा के। अच्छा कितने वोट ले लेंगे आप, कितने वोट ले लेंगे कामयाब हो जाएंगे? बहुत ज्यादा। अच्छा नया मुझे इलेक्शन जीत के पहला काम आपने क्या करा? कानून साजी करवाऊंगी इंसानी हकूक के। ओके थैंक यू सो मच। अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।